सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या पक्षीराज गरुड़ समय रहते ब्राह्मण को अपने पेट से बाहर निकाल पाए या अंगारे के जैसे मालूम होने वाला ब्राह्मण गरुड़ देव के अंत का कारण बना। लेकिन इससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे गरुड़ देव सभी नागों को और विंता अपनी बहन कद्रु को पीठ पर बिठाकर उनके द्वारा बताए गए सुंदर वन में लेकर गए थे, जहां पहुंचने के बाद नागों ने पक्षीराज गरुड़ से उन्हें दूसरे वन में ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने अपनी माता विंता से नागों के दास होने का रहस्य पूछा, जिस पर विंता ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। माता को उनकी बहन और नाग भाइयों की दासता से मुक्त कराने का उपाय पूछने पर नागों ने पक्षीराज गरुड़ से अमृत की मांग की, जिसके बाद पक्षीराज गरुड़ अमृत लेने के लिए प्रस्थान कर गए। अपनी भूख को शांत करने के लिए माता की आज्ञा से पक्षीराज गरुड़ निषादों को भोजन बनाकर खाने के लिए चले गए। गलती से पक्षीराज गरुड़ ने निषादों के साथ एक ब्राह्मण को भी खा लिया, जो उनके पेट में अंगारे की तरह जलन पैदा कर रहा था। अब जानते हैं आगे की कहानी। जैसे ही पक्षीराज गरुड़ को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने निषादों के साथ किसी ब्राह्मण को निगल लिया है, वैसे ही उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे मुख से जल्दी बाहर निकल आइए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ये निषाद कन्या भी मेरे साथ है और इसके बिना मैं बाहर नहीं आऊंगा। पक्षीराज गरुड़ ने ब्राह्मण को निषाद कन्या के साथ बाहर आने के लिए कहा और इस तरह पक्षीराज गरुड़ ने अंगारे के जैसे जलन पैदा कर रहे उस ब्राह्मण को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। वह ब्राह्मण पक्षीराज गरुड़ को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। तभी वहां पक्षीराज गरुड़ को अपने पिता महर्षि कश्यप के दर्शन हुए। पिता ने उनका कुशल मंगल पूछा और साथ ही साथ उनके भोजन के लिए भी पूछा। बेटा, तुम कुशल से तो हो ना, मनुष्य लोक में क्या तुम्हें पर्याप्त भोजन मिल जाता है? उत्तर देते हुए पक्षीराज गरुड़ ने कहा, हम सब कुशल से हैं। माता, मैं और भाई, हम तीनों ठीक से हैं। मेरे लिए बस खाने का ही अभाव है। मुझे नागों ने अमृत लेने के लिए भेजा है। अमृत मिलने के बाद ही माता को दासीपन से छुटकारा मिलेगा। माता से भोजन के विषय में पूछने पर माता ने निषादों का भक्षण करने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं किसका सेवन करूं? पिताजी, आप ही मेरे लिए कोई उत्तम भोजन सुझाइए। पक्षीराज गरुड़ के ऐसा कहने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें पुण्यदायक सरोवर में रहने वाले कछुए और उसी सरोवर के पास रहने वाले हाथी को खाने का सुझाव दिया और साथ ही उन दोनों की कथा भी सुनाई। महर्षि ने बताया कि सरोवर के पास रहने वाला वह हाथी कछुए को हमेशा बाहर खींचता रहता है। वह कछुआ पिछले जन्म में उस हाथी का बड़ा भाई था। दोनों का पिछले जन्म का बैर अब तक चला आ रहा है। पहले समय की बात है, विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम सुप्रतीक था। सुप्रतीक अपने बड़े भाई से बंटवारा चाहता था और अपना धन विभावसु से अलग रखना चाहता था, लेकिन विभावसु ऐसा नहीं चाहते थे और वे हमेशा अपने भाई के लोभ से परेशान रहा करते थे। धन के कारण दोनों भाइयों में बैर हो गया।
विभावसु और सुप्रतीक की लड़ाई में बाहर के लोग बैर बढ़ाने का काम किया करते थे। एक दिन उनका बैर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी बैर के चलते विभावसु ने सुप्रतीक को शाप देते हुए कहा, तुम बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, तुम्हें काबू करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में हाथी बनकर जन्म लोगे। इस तरह शाप मिलने पर सुप्रतीक ने भी विभावसु को शाप देते हुए कहा कि तुम भी पानी के अंदर घूमने वाले कछुए बन जाओगे। इस जन्म में विभावसु और सुप्रतीक हाथी और कछुआ बनकर जन्मे हैं और इनका बैर आज भी वैसा ही है। हाथी आज भी सरोवर के पास जाकर चिंगाड़ता है और पानी में हलचल करके कछुए को परेशान करता है और दूसरी ओर कछुआ भी हाथी से बैर करके दिखाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को मारने की इच्छा से उतावले हुए रहते हैं। तुम जाओ और इन दोनों को अपने भोजन के उपयोग में लाओ और अपने कार्य को सिद्ध करो। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ देव सरोवर के पास गए और कछुए और हाथी को पकड़ लिया। उन्होंने सरोवर का निर्मल जल देखा और फिर वे उड़कर मेरुगिरी पर्वत की ओर चले गए। गरुड़ देव हाथी और कछुए को खाने के लिए सही जगह देख रहे थे। तभी पक्षीराज गरुड़ को वट वृक्ष ने कहा, पक्षीराज आप मेरी सबसे बड़ी शाखा पर बैठकर इन दोनों को आराम से खा लीजिए। लेकिन जैसे ही पक्षीराज उस शाखा पर बैठे वह शाखा टूट गई। लेकिन टूटी शाखा को उन्होंने अपने पंजों में पकड़ लिया। पक्षीराज गरुड़ मुस्कुराते हुए उस शाखा की ओर देखने लगे। तभी उनकी नजर वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी जो उसी शाखा से उल्टे लटक रहे थे। उनके विनाश के डर से पक्षीराज गरुड़ ने उस शाखा को अपनी चोंच में पकड़ लिया। गरुड़ को ऐसा करते देख वे सभी महर्षि आश्चर्यचकित रह गए। वालखिल्य ऋषियों पर दया भाव होने के कारण पक्षीराज गरुड़ कहीं भी बैठ नहीं रहे थे। पक्षीराज उस टहनी को लेकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे जहां उनके पिता महर्षि कश्यप जी तपस्या कर रहे थे। अपने पुत्र को इस दुविधा में देखकर महर्षि कश्यप जी बोले, महर्षियों गरुड़ का उद्देश्य प्रजा के हित के लिए ही है। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर सभी वालखिल्य ऋषि शाखा छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। गरुड़ ने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ दूं? महर्षि कश्यप ने पक्षीराज गरुड़ को ऐसा पर्वत बताया जहाँ जनजातियाँ नहीं थी और वह बर्फ से ढका हुआ था। पक्षीराज गरुड़ ने मिनटों में 1,00,000 योजन की दूरी को पार कर लिया। पक्षीराज ने उस शाखा को वहीं छोड़ दिया और फिर हाथी और कछुए को वहीं बैठकर खाया। इस तरह पक्षीराज गरुड़ ने अपना भोजन किया और अमृत लेने के लिए उड़ान भरी। उनकी उड़ान के वेग से सृष्टि और देवताओं की नगरी में कंपन होने लगा जिससे इंद्रदेव भी घबरा गए। क्या इंद्रदेव पक्षीराज को अमृत ले जाने देंगे? क्या पक्षीराज अपनी माता को दासीपन से छुटकारा दिला पाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं, तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कहानियों का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए।